पर्यावरण एक जिम्मेदारी जिसे निभा तो कुछ लोग रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे दूषित करने का काम कर रहे हैं। जैसे बात की जाए परफ्यूम्स की, डिओड्रेंट की, अब आप सोच रहे होंगे कि पर्यावरण से जोड़ करके मैं इन खुशबूदार चीजों की बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ये इसलिए क्योंकि जो परफ्यूम और डिओड्रेंट का इस्तेमाल हम सब अपने कपड़ों को महकाने के लिए करते हैं, अपने आसपास की जगहों को महकाने के लिए करते हैं, उनमें से इतनी ज्यादा हार्मफुल गैस निकलती है जिससे हमारा वातावरण पूरे तरीके से दूषित होता है। लेकिन इसी पर्यावरण में योगदान देने के लिए, या यूं कह लें कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दशकों से काम कर रहे हैं और सिर्फ जैविक उत्पादों को यूज करके ही खुशबू फैलाने का काम करते हैं, या फिर यूं कह लें कि दशकों से उनकी पीढ़ियां राजधानी लखनऊ में यानी कि नवाबों के शहर में खुशबू फैलाने का काम कर रही हैं। इस वक्त इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, जो आप देख सकते हैं सामने कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, इत्र हैं जो कि जैविक तरीके से बनाते हैं और सालों से ये काम कर रहे हैं, और आज भी वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कहाँ से तशरीफ आवरी हुई है आपकी? लखनऊ। तो सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल यूं करूं कि कहाँ ये होश के कुछ एहतमाम हम करते, ये बामोदर तेरे आने से जगमगाते हैं, या यूं कहूं कि आज वादा है उनके आने का, हुस्न देखो गरीब खाने का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो अगर बात की जाए डिओड्रेंट्स की और इत्र की, तो किस तरीके से जो इत्र है वो वातावरण को बेहतर बनाने के लिए अच्छा साबित होता है? देखिए, हिंदुस्तान में वैदिक काल से और उससे पहले भी हिंदुस्तान में खुशबूदार जड़ी बूटियों और उनका वुड्स का और फूलों का तेल निकाल के मेडिसिन में यूज़ किया जाता था, और आज भी उसका मेडिसिनल पहलू है। खाली उसका काम खुशबू सूंघना ही नहीं होता है, उसको जो है लोगों को उससे जो मेडिसिनल पहलू है, स्किन रिएक्शन ना हो और बाकी सूंघने में, नाक पे गर्मी, जिस्म की हरारत को कम करना, सर्दी में सर्दी को कम करने के लिए जो खुशबूएं सूंघी और लगाई जाती हैं वो इत्र कहलाती हैं, और वो हमेशा से कई हजारों साल पहले से यहाँ इसका चलन है। जिस तरीके से जो परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं उनमें एक तरीके का गैस भी भरा होता है, जो कि इत्र की बोतल में हम देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई गैस निकलेगी नहीं। जैसे कि परफ्यूम की बोतल भी ऐसी ही दिखती है लेकिन उसमें गैस होती है, पर इसमें गैस नहीं है। तो किन किन फूलों का इस्तेमाल होता है इसको बनाने के लिए? कोई ऑयल लगता है? मतलब किस तरीके से अगर इसको बेहतर माना जाए परफ्यूम से? ऐसा है, जैसे इत्र खस, तो खस की जो रूट्स होती हैं उसमें से नेचुरल चिकनाई निकलती है। चंदन की वुड्स जो होती है उसमें से नेचुरल चिकनाई निकलती है। बाकी फूलों की गुलाब, बेला, जूही, चंपा, मौनसरी, जैस्मिन, रातरानी, मालती, इन सारे हरसिंगार, इन सारे फूलों से इत्र अलग अलग खुशबूएं बनाई जाती हैं। और उसके अलावा तमाम किस्म की बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं, नागर मोता, छड़ीला, बालछड़, और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उससे इसलिए बनाई जाती है। जिस तरीके से आप लोग, जो मैंने देखा है, जैसे ये डेग का नमूना रखा है आपने सामने, तो इसी डेग में वो फूल डालकर किस तरीके से बनाते हैं, अगर आपके पास कुछ हो दिखाने के लिए तो हमें प्लीज दिखाइए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये डेग है और इसी के ऊपर और इसी के इर्द गिर्द जो इत्र बनाने का काम होता है वो किया जाता है। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, आप देख सकते हैं वो एक एल्बम भी लेकर आए हैं, जिसके पूरे सेटअप को हम लोग कहते हैं बपका, है नहीं? दिस इज भट्टी, भट्टी, देग, सरपोश, ये बैम्बो इंस्ट्रूमेंट होता है, नैचा, ये गगरा, ये इस पे वेट रखने के लिए, क्योंकि ये खाली बर्तन हमें पानी में डालना होता है, वेट रखा जाता है, और ये हौज में इस गगरे को डुबोते हैं। इस पूरे सिस्टमेटिक हिस्सा है, ये इतना बड़ा बर्तन होता है जिसमें 100 किलो फ्लावर्स एक बार में आ जाए। हम उसको उसमें भर के एक ख़ास किस्म की मिट्टी बनाते हैं जो सूखने पे चिटके ना, उसको बंद करके फिर उसकी स्टीम कलेक्ट करते हैं, और जो इस बर्तन में आके यहाँ कलेक्ट होती है उसके बाद चौड़े बर्तन में सुबह उसको करके उसके ऊपर की चिकनी उतारी जाती है। एक पूरा प्रोसेस है, इसको प्रोसेस आपको मैं यूँ दिखाऊँ कि ये देखिए, ये बड़ी देग है जिसमें गुलाब भरा जा रहा है। भरने के बाद फिर इसमें एक ये मिट्टी से इसको एकदम एयरटाइट किया गया, एयरटाइट करके फिर ये बैम्बो इंस्ट्रूमेंट से इसको मैंने जैसे आपको बताया कि इस दूसरे पार्ट में ले गए, उसके बाद हमने इस पर आग लगा के इसका इस्तेमाल किया। पहले पेटल्स गुलाब की अलग की गई, वो अलग की, सब पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम से उससे काम चलता है ये।
अगर बात की जाए आज के समय की, जैसे पहले के समय में तो नवाबों का शहर ही है लखनऊ, तो नवाब लोगों का शौक ही होता था इत्र का इस्तेमाल करना, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो क्या पर्यावरण को ही अगर ध्यान में रख के बात कर ली जाए तो क्या लोग परफ्यूम छोड़ करके इत्र पर आज भी अडिग हैं? ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत ने जगह जगह एग्जीबिशंस लगाना, उसमें हम लोगों को बुलाना, लोगों को इसके बारे में बतलवाना और उसकी चीज़ों, उसके नुकसान से आगाह कराना और इसके फवायद को बताना, मेरा ये काम है, जिसके लिए मुझे जगह जगह एग्जीबिशंस में बुलाया जाता है, उसके एग्जीबिशंस के वो पोस्टर लगे हैं वहाँ पे, फोटोग्राफ्स, तो हम लोग जाते हैं। तो मेरा मकसद ये होता है कि जो लोग परफ्यूम और डियोज या जिन चीज़ों के नुकसान उठा चुके हैं, तो मेरे यहाँ के लोग उस नुकसान उठा के इत्र की तरफ वापस आ रहे हैं। मैं अपने लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो उस नुकसान से बचें, वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अपनी ही चीज़ पे कायम रहें और उसी का इस्तेमाल करें, और जिससे इस आपके पर्यावरण को भी फायदा होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा किसी को भी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया कि परफ्यूम से किस तरीके की हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, लेकिन अगर वहीं इत्र की बात कर ली जाए तो इत्र भी आपको खुशबू काफी अच्छी देगा, लेकिन अगर आप पर्यावरण की नजर से देखेंगे तो पर्यावरण को बचाने के लिए भी इत्र काफी कुछ अच्छा करता है, आपकी सेहत का भी ध्यान रखता है, साथ ही जो पॉल्यूशन है उससे भी बचाता है। तो डेली इनसाइडर की तरफ से हम भी आपसे यही आग्रह करेंगे कि परफ्यूम छोड़कर आप भी इत्र के आगे बढ़ें, क्योंकि अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, डेली इनसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।